फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज है 29th of April। तो आज मैंने सोचा कि मैं व्लॉग बनाऊं, बिकॉज एक रीज़न तो ये है क्योंकि सारे व्लॉग पंजाब वाले अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखना। हैप्पी मामा की शादी का व्लॉग है और बाकी पंजाब वाले व्लॉग्स भी हैं। हाँ, तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, आज मैंने सोचा कि व्लॉग बनाया जाए कंटेंट के लिए। और एक और रीज़न है, बिकॉज आज बहुत हेक्टिक डे है। अभी मुझे ट्यूशन जाना है, मेरी केमिस्ट्री की ट्यूशन है, लाइक 2 घंटे की है, 11 बजे की ट्यूशन है, 10:30 होने वाले हैं। मेरे को निकलना है जल्दी से, देना बैंक पर जाना है। उसके बाद मुझे एक और ट्यूशन में जाना है, घर आना है, फिर जजमंडो के घर जाना है मामी से मिलने। तो और मुझे CUET का फॉर्म भी भरना है, जो कि मैंने अभी तक नहीं भरा है। कल 30th है, कल लास्ट डे है, तो इसलिए आज मुझे कैसे भी करके उसको फॉर्म को फिल करना। तो मेरे पास आज काफ़ी ज़्यादा काम है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज के दिन का व्लॉग किया जाए, और बाहर जा रहे हैं तो व्लॉग करना सही रहता है। तो चलो फिर मैं तैयार हो जाती हूँ। मैं ये नहीं पहनूंगी, मैं तो कुछ और पहनूंगी। वहाँ निकाल के रखे हैं कपड़े, तो वो पहनना है और जल्दी से निकलना है, बिकॉज टाइम बिल्कुल भी नहीं है। 2 घंटे तो लग जाते हैं ट्यूशन में। तब तक मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। धूप देखो आप, मतलब धूप इतनी है ना कि घर से निकलने का मन नहीं करता। वहाँ ट्यूशन में तो चलो नीचे बेसमेंट में है तो काफ़ी ठंडा होता है, तो वहाँ तो बहुत अच्छा लगता है, बट वहाँ से निकलने के बाद ना हालत ख़राब हो जाती है सच में। तो आपको मैं बाहर का दिखा देती हूँ, फिर मैं चलती हूँ बाहर। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे नया घर बन रहा है। Let's get ready. Applying sunscreen. Applying perfume. All set. Let's wear socks and shoes. It's really hot outside. Mask is a must. Thank you.
भी आया। Let's have some water. जिंदगी में हमने करना मतलब हर एक क्वेश्चन में टॉलरेंस यूज होता है, तो हमने कहा कि जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं, तो आपके पास टॉलरेंस रिएजेंट हमेशा होता है। लेकिन अंकिता का फेवरेट रिएजेंट, हाँ मेरा है आयोडोफॉर्म टेस्ट NaOH। जो आता है वो मेरे को समझाना है, हाँ पर मैं देख रही हूं, मैं तुम्हें ट्रिक्स बताऊंगी सारी की सारी। हाँ मेरे को पता है, समझ नहीं आया उस पर लगाना किस तरह है, डिफरेंशिएट। हां वो मतलब समझा दूंगी, और अभी दो लोग और आएंगे, शैली और यश, तो उनसे भी मिल ही लेंगे, उनको भी हम खींच खींच के ले आएंगे ताकि सब लोग देखें यार, पब्लिसिटी हो, है ना। चलो तब तक हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, पढ़ेंगे तो है भी। हाँ सर, तो बात कर ले, फिर हम लोग उन लोगों के साथ ही मिलेंगे आपको। बाय। तो फ्रेंड्स हम ट्यूशन से निकल चुके हैं, शैली कैन यू प्लीज कम। आज जरा हेक्टिक डे व्लॉग है सच में। तो अब ट्यूशन से निकल चुके हैं, नानी के घर जाना है, खाना खाना है, और बहुत काम है मेरे को। और झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है, कुछ काम नहीं है। नाम तो नहीं, ये शैली है, ये यश है, और ये स्विमर है। ये तो मिल चुकी है डोरेमी। हाँ मैं रोड पे व्लॉग नहीं करूँगी, मम्मा देखेगी तो कहेगी कि रोड पे फ़ोन निकाल के घूमती है, और कोई ले गया तो उनको पता, मेरी टेंशन नहीं होती, उनको होता है कि मेरा फ़ोन ना कोई ले जाए। मेरे मम्मी पापा को सेम सेम। चलो ठीक है, ऑटो में मिलूँगी। सब मैं घर वापस जा रही हूँ धूप में। मैंने सोचा कि अभी वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि फिर मेरे को छाता निकालना पड़ेगा बाहर, उस तरफ बहुत धूप है। ये तो मैंने गली में वीडियो बना ली कि चलो बना लेती हूँ, बता देती हूँ घर जा रही हूँ, अब मैं छतरी निकालूँ तो मैं दिखा नहीं पाऊँगी, बाकी मैं आपको धूप दिखा देती हूँ। हालत देख रहे हो, बहुत ख़राब है। मैंने गन्ने का जूस पिया बाय द वे, सो रिफ्रेशिंग। बाहर बहुत गर्मी थी, डेड हॉट, बहुत गर्मी। तो अब मैंने सिर्फ मुंह हाथ धोया है, मैंने कपड़े चेंज नहीं करे हैं, बिकॉज कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे एक घंटे बाद निकलना है, मेरी 3:30 की ट्यूशन है, 2:15 अभी हो गए हैं, पापा भी जाएंगे 2:20 पे बाहर जाएंगे नोनी को लेने नंदा पे ही, तो मैं तो ऑब्वियसली नहीं जा सकती, और मेरे को फ़ायदा भी नहीं होना था, अगर मैं नोनी का वहाँ वेट करती तो मैं तो सच में मर जाती ना, तो इसलिए मैं घर पे आ गई। अब पापा जाएंगे नोनी को लेने, उसके बाद फिर हम लोग ट्यूशन के लिए जाएंगे खाना खा के, नोनी और मैं साथ में खाना खाएंगे, पापा भी। और मैं आपको बताऊँ, AC ठंडा नहीं कर रहा है, अभी चला चुकी हूँ मैं, AC ठंडा नहीं कर रहा, क्या हो गया है खसमन खानिया ना, अब होगा ठंडा, अब होगा फाइनली। हाँ तो अभी मैं इससे पहले रिकॉर्ड कर रही थी, वो डिलीट हो गया था, तो उसमें मम्मा कह रही, मम्मा का मैसेज आया, चलो हवा खा लो, वेरी गर्मी। हाँ बहुत गर्मी है,
बट जितना गर्मी बोलोगे ना उतनी गर्मी और फील होती है। तो इसलिए अभी मुझे थोड़ा सा ना मैथ्स का होमवर्क करना है, ट्यूशन का मैं थोड़ा सा वो करूँगी, उसके बाद मैं थोड़ा सा रिलैक्स करूँगी, उसके बाद फिर हम जाएंगे और फिर मैं आपको वहाँ पे सबसे मिलवाऊँगी, मन्नत से, मामी से, सबसे। ठीक है, तो चलो मैं थोड़ा रिलैक्स करके मिलती हूँ, बाय। दुनिया गई, हेलो। ये भी धूप में मर के आई है मेरी तरह, बट फिर भी इसके पास बाइक थी, ये आ सकती थी। है पुपू जान, आप क्या खा रहे हो? मैं खा रहा हूँ पुलाव, आलू की सब्जी और सर का भरता। सर का भरता नहीं, हम खा रहे हैं पुलाव, रोटी, सब्जी, अचार, ये रहा। जब हम आपको खाना खाने के बाद मिलेंगे, जब हम लोग निकलेंगे यहाँ से। मैं जीन्स पहन के खाना खा रही हूँ और उन्होंने एकदम फ्री होके खा रही है, बट कोई बात नहीं, जिंदगी में इसका टाइम भी आएगा। चलो ठीक है, खाना खा के मिलते हैं, बाय। चिल्लाइए मन्नत, एक मिनट जूते उतार के जाती हूँ अंदर। कौन आया, कौन आया? ऐसे करते, रुक जाओ, ऐसे करते, हटियो हटियो। ए मन्नत कौन आया? इधर आ, इधर आ। बोलते चुटिया किसने बनाई? नोनी ने, अमन ने फ्रॉक पाया। अच्छा बोल, नोनी अच्छी है कि टूटू अच्छी है? नोनी तो कौन अच्छा है, देख कौन अच्छा है, पहले बता कौन अच्छा है। मन्नत अच्छा बोल कि तेरे को नोनी 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 से नोनी से चीजी खानी है, टूटू से चीजी खानी है? नोनी को धोखा दे दिया, नहीं खानी चीजी। अच्छा नोनी को ले जाऊँ मैं, नोनी को ले जाऊँ? क्यों नहीं, नोनी तो गंदी है। अच्छी है। अच्छा तो मन्नत गंदी है, दोनों अच्छी है। फ्रेंड्स हम जा रहे हैं रोड पे घूमने के लिए, मन्नत भी जा रही है। क्यों मन्नत, तो रहने दे, मैं नोनी जा रहे हैं। ठीक है चलो फिर चलते हैं, चलो चल मन्नत। आप यहाँ पे उतरेगी तू? रुक जाओ तो वीडियो बना, अब घूम जा, घूम जा, घूम जा।
हाँ जगह तो कहूँ हाय डॉगू, कोई प्यास नहीं लग रही है उसको, है ना डॉगी, वहाँ पे पानी पड़ा हुआ है उसका, वैसे भी जरा नाटक मत क्या कर, बहुत मारूंगी तेरे को भाई। ए मन, धोनी को पिट्टी करेंगे ना हम लोग मिलके? ए देखो डॉग अब्यूज के केस में अंदर कर देंगे, बोल मुझे माफ कर दे। डॉगी में फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो फ्रेंड्स बड़े पापा भी आ रहे हैं, आओ बड़े पापा। तो बड़े पापा बोल सत श्री अकाल। अरे पापा कहाँ से आ रहे हो? शेव करा के। अच्छा ये तो कह रही घूमने गए थे वो मार्केट से। अच्छा ये रंजना आंटी। अच्छा वीडियो बना रहा? हाँ हाँ आपने देखी ना टीवी पे? अरे बाप, मैं आज सोचा कि वो वीडियो कर कर रहे मम्मी का। नहीं नहीं फ्रेंड्स, हम खेल के आ चुके हैं। मैंने मन्नत को बहुत मारा। हमने मन्नत को 1 2 3 कराया, फिर से जंप बहुत ज्यादा कराई। मन्नत ने मजे करे, खेली खेली करी हैं बोल। मन्नत ने खेली खेली करी है, मन्नत को मजा आया? टूटू और नोनी आए हैं, चलो चले चलो लेट्स गो। ठंडा पानी पीना। मन्नत तेरे घर में ठंडा पानी है? हैं बस कोल्ड ड्रिंक है। कोल्ड ड्रिंक नहीं, मुझे पानी पीना है। हम बहुत देर बाद मिल रहे हैं। लास्ट हमने वीडियो बनाई थी आई थिंक जब हम मन्नत के साथ बाहर खेल रहे थे। तो आज हमने प्रॉमिस किया था कि हम आपको न्यू मामी से मिलाएंगे। तो हियर शी इज, हाय कर दो। तो इनका नाम क्या था? हाँ ऋतिका मामी। हाँ निकनेम आप कुछ भी बुला सकते हो, रंजना है आपका ना? हाँ जी। हाँ तो और आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, घर वाली फीलिंग आ रही है। हाँ जी सब लोग बहुत अच्छे हैं। मन्नत मन्नत परेशान तो नहीं करती? नहीं करती, इसके साथ दिल लगता है सबसे ज्यादा। बोर नहीं होने देती मन्नत? नहीं होने देती। और हम? आप तो बिल्कुल भी नहीं, आप आते कम हो तो आएंगे अब रेगुलर, देखते हैं। अभी 12th खत्म हो जाए फिर। अभी तो मम्मा भी आने वाली है, मामी ने बुलाया है मम्मा को। वैसे हमने आना तो था जब से ये लोग आए ना मन्नत लोग, हम मम्मा आई नहीं है तो हमने कहा कि आज ही चक्कर लगा लेते हैं। फिर ट्यूशन से मैं आते नहीं है। हाँ मामी की कंप्लेंट रहती है। हाँ बताएंगे, 3-4 दिन हो गए आए हुए पर ये आते नहीं है। बट हम एक दो बार मिली है बस, कल आए थे 2 मिनट भागे फिर। आप संडे को आप आ जाना ना हमारे पास, संडे को हमारा घर खुला रहता है, जिसको आना आ जाओ, बाकी पूरे वीक तो हम बिजी रहते हैं। मतलब कि हम इनके घर आए, ये नहीं आएंगे हमारे घर। नहीं हम तो आ गए ना, आपकी बारी है ना। फिर आप भी आ जाना, हम आपको अपने घर दिखाएंगे। तो ठीक है खाना मम्मा आएगी फिर दे। फोटो नहीं खिंचवाई, वीडियो बनवाई है। हाँ मेरे को तो देख लिया है 2-3 बार, मेरे को तो 2-3 बार देख चुकी है। आदिवासी लग रही है। कैसा फोटो कैसे खींचनी है? कनाडा तो चाहिए। मन्नत क्या बना रही है? रोटी। रोटी बना रही है। बेलन लिया ना अपना। हमारा खाना पीना हो गया, हमने खाई थी कढ़ी चावल और भिंडी रोटी और हाँ इतना कुछ खाया था।
और मन्नत बाहर से कह रही खोलो खोलो मुझे जाना है, और नोनी बस 2 मिनट के लिए वॉशरूम गई थी और बाहर से कही नोनी खोलो मुझे अंदर आना है, फिर हमने कहा नोनी कहाँ गई है, तो कह रही नोनी वॉशरूम गई है, ऐसी ऐसी हरकतें तो करती है। और अभी देखना अंदर, मैं आपको दिखाती हूँ क्या कर रही है, चलो देखते हैं। मन्नत तो ठंडी लग रही है, नहीं लग रही तो ये क्यों ले रखा है, ठंडी हवा कहाँ से आ रही है, मन्नत ठंडी हवा कहाँ से, शीशे। अच्छा तो मन्नत भी नोनी जाएगी तो तू रोई रोई करेगी, मन्नत नोनी चली जाएगी अभी, क्यों नोनी जाएगी नहीं आपके घर, हाँ मन्नत नोनी ना सुबह आएगी, ठीक है सुबह आएगी नोनी, सुबह भैरी सुबह सुनाई दिया है ए पागल। Puppet, look at this view. ये लड़की आराम से बैठी है, मतलब इसके दिमाग में कुछ चल रहा है। क्या तू कहाँ से लेके आ गई है, तो फ्रेंड्स हम जा रहे हैं, हम आपको घर पे जाके मिलेंगे या फिर शायद हम ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, तो ठीक है फिर सारा मम्मा रेडी, मम्मा यही करके रहते हो बेटा। तो फ्रेंड्स अभी हम आ गए हैं और मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है और मैं तो अभी सो जाऊंगी, बाकी इनका पता नहीं। गुड नाइट। नहीं मतलब रोनी बहुत ज्यादा थक गई ना, ये जैसे स्कूल से आई इसने खाना खाया फिर सीधा वहीं चली गई, तो वहाँ पे फिर इसको बिल्कुल रेस्ट करने का टाइम मिला। मेरे साथ भी सेम चीज़ हुई, मैं ट्यूशन से आई कपड़े भी चेंज नहीं किए, खाना खाया और वहाँ चले गए, तो आज मेरी पढ़ाई भी नहीं हुई है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अभी तो एडिट करूँगी व्लॉग को, उसके बाद कल ही पढ़ूँगी। तो इसी के साथ हम व्लॉग को एंड करते हैं, आप ज़रूर बताना कि आपको यह हेक्टिक डे व्लॉग कैसा लगा, और यहाँ पर आप देख रहे हो ना कि कितने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, बस ऐसे ही देखते हैं, लाइट चली गई, तो आप सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, और आपको मेरी नई मामी कैसी लगी ये भी बताना। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।